नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह शिक्षक पीसीएस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपका मैथ का क्लास चल रहा है। मैथ की क्लास आप जानते हैं कि लोअर पीसीएस एग्जाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है, तब से मैथ का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है और आपकी लेखपाल जैसी वैकेंसी जो कि सुनने में आ रही है, कब आएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आएगी तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही आएगी। तो जैसा कि पिछले वर्षों में लेखपाल की वैकेंसी जब निकली थी तो उसका जो सिलेबस था उसमें मैथ था, एक चकबंदी लेखपाल था, एक राजस्व लेखपाल, दोनों परीक्षाएँ अलग अलग हुई थी और दोनों में मैथ था। ठीक है, तो इस बात भी उम्मीद की जा रही है कि लेखपाल के सिलेबस में मैथ रहेगा। ठीक, तो आप अभी से पढ़ते रहिए, बाद में ना रहे कि वैकेंसी आ गई हमारी तैयारी नहीं है। ठीक है, और लोअर पीसीएस जो कि रिजल्ट फरवरी माह में संभावित है, आयोग ने जो सूचना दी है उसके अनुसार, तो जब भी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 3 महीने बाद मान के चलिए मेंस होगा। तो आप तैयारी अभी से करिए और स्पीड पकड़ाइए अपनी तैयारी में थोड़ा। ज़्यादातर बच्चों का आप लोगों में यही कहना है कि सर हमारा सिलेक्शन मैथ से रुक रहा है। इसी क्रम में आपका मैथ का क्लास चलाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज के प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 50% अधिक है। ठीक, अब देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या है, दो संख्याएं हैं, तीसरी से भी ज़्यादा दिया है, तीसरी से ही इनको भी कह रहा जाता है। ठीक है, 20 और 50% तीसरी से दो संख्याएं क्रमशः, यानी एक 20% ज़्यादा है, एक 50। अब आप क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज में आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आप क्या मानेंगे हमेशा 100, जैसे ही आपने यहाँ 100 माना, 100 का 20% ज़्यादा यहाँ कितना हो गया, 120 हो गया, 100 का 50% कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, अब हम इस लाइन को मिटा देते हैं, 100 के सापेक्ष कितना ज़्यादा, 20, तो 120 हो गया, 100 के सापेक्ष कितना ज़्यादा, 50, तो 150 हो गया। ज्ञात कीजिए, अब आपसे ज्ञात कीजिए, आपको यहाँ 4 पार्ट में क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आपके परीक्षा में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो वहाँ तो आपसे केवल एक ही पार्ट पूछा जाएगा, लेकिन कौन सा पूछा जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सभी को समझने की कोशिश करते हैं। दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंट के बराबर है। तो पहला पार्ट क्या है, हमने आपको क्या बताया था, एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स बटे वाई इंटू 100। तो पहली को पूछा है, पहली दूसरी के सापेक्ष कितनी परसेंट है, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या इंटू 100। ठीक, पहली संख्या क्या है आपका 120, दूसरा क्या है 150 गुणा 100, 50 दूनी 100, 50 3 150, 3 से काटिए 3 4 12, 40 दूनी 80, कितना हो गया 80% हो गया। यही चीज आपका पहले पार्ट में पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब इसमें कुछ और घुमा सकता है, दे दिया पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, पहला तो था कि पहला दूसरी का कितना परसेंट है, आपने सीधे पहले को लिख दिया दूसरे से, अब कह रहा है कि पहला इससे कम कितना है, तो आप पहले निकाल लीजिए कि कितना कम है, आप कहेंगे 150 में से 120 गया, कितना कम है यहाँ 30, तो 30 कम है, किससे कम है, सेकेंड से, 150 इंटू 100। समझ में आ रहा है, 50 दूनी 100, 50 3 और 3 से 10 बार, तो कितना कम है 20%। तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से बहुत ही समझेंगे कि क्या पूछा गया है, क्या पहली संख्या कितना परसेंट है पूछा है,
कि पहला संख्या, पहली संख्या दूसरी से कितना कम है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में केवल एक वर्ड का अंतर है, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, आंसर आएगा 80। पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, कम जोड़ते ही क्या हो गया 20%। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पढ़िए और देखिए क्यों ऐसा हुआ है। अब तीसरे पे आ जाइए, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, पहली इससे कम है अब दूसरी इससे ज़्यादा है, यह पूछा है कितना ज़्यादा है। तो आइए फिर से देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब पूछा है ऐसे, यहाँ से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 30। 30 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, शुरुआत कहाँ से हुआ है, 120 से इंटू 100, 30 से 4 बार कटेगा और 4 से 25 बार, तो क्या आ गया आपका 25%। तो आपको पहले क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है कि पहली को दूसरे के सापेक्ष पूछा है, दूसरी को पहली के सापेक्ष, डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है कि कितना है, कि कितने कम है या कितने की वृद्धि हुई है, ये पूछा है, ठीक। अब चौथा पार्ट, चौथा इसमें दिया है यदि दूसरी संख्या 450 हो तो शेष दोनों संख्याएं, देख लीजिए। अब आपने जो संख्या ये माना है, एग्जैक्ट संख्या तो थी नहीं, ये आपकी माना गया राशि है सब, कि यहाँ 100 रहा होगा तो यहाँ 150, तो यहाँ 120। तो क्वेश्चन कह दिया कि ये 150 जो आपने माना है ये कितना है, 450, तो शेष दोनों बताइए। तो आप कहेंगे 150 का मान कितना है, 450, इसलिए एक का मान कितना होगा बताइए, 150 से भाग देंगे 3 आएगा, 15 × 3 = 45, इसलिए जब पहली संख्या पूछेगा तो पहली संख्या 120 है, तो 120 तिहाइयाँ क्या हो जाएगा, 360, और दूसरी संख्या क्या है, 100 है, तो 100 तिहाई क्या हो जाएगा, 300, ठीक है। तो इसमें देखिए मेरा इस क्वेश्चन को लाने का एक ही उद्देश्य था कि आपको ये समझा दिया जाए कि एग्जाम में आप केवल ये मत सोचिए कि पहली दूसरे से कितना परसेंट है, यही पूछेगा आपसे, ये भी पूछ सकता है कि कितना कम है। तो पहले आप ये देख लीजिएगा कि क्या वो कम वाला पूछा है कि डायरेक्ट कितना परसेंट है ये पूछा है, जो पूछा होगा वहीं आपको निकालना है, ठीक। ऑप्शन में कहते क्या है कि ऑप्शन में आपके दोनों रहता है, जैसे पहले पार्ट का हमने निकाला था 80, दूसरे का 20, आपके ऑप्शन में दोनों रहेगा, जैसे ही आप गलत किए गलत आंसर टिक करके चले आएंगे। तो आपको बड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें मैं क्यों इस क्वेश्चन को लाया हूँ ये भी देख लीजिए। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन कह रहा था कि दूसरी पहली और दूसरी संख्या किसी तीसरी से 20% व 50% ज़्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ा था, 100 ऐड करके लिखना पड़ा था। इस बार ऐसा नहीं कह रहा है, इस बार क्या कह रहा है पढ़िए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 80 तथा 120 है। तीसरी संख्या को जैसे ही आपने 100 माना है, इसका 80% है। अगर यहीं रहता कि 80% ज़्यादा है तो हम 180 लिखते हैं, लेकिन सीधे 80% बोला है तो हम 80 लिख दिए, और ये वाला कितना है, 120, ठीक है। चलिए ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, फिर से वही चीज पूछ दिया, पहला दूसरा के कितना परसेंट है, आप कहेंगे पहला अपान दूसरा इंटू 100, 80/120 गुणे 100, 40 × 2 = 80, 40 × 3 = 120, सही है, 200/3 भाग देंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 66, सही, 2/3% हो गया, ठीक। अब फिर से पूछा है कि दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, अब पूछ दिया कितना कम है, तब आप 80 न लिख के क्या कहेंगे, 120 से कितना कम है, 40 कम है, तो अब 40 को निकालेंगे, ठीक, 40 × 3 = 120, 100/3 इसको क्या कहेंगे, 33, सही है, 1/3
हो सके तो इसको अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए। जैसे ही आप 2/3 पहुंचे सीधे सीधे ऑप्शन पे कहाँ गए, 2/3 भाग करके निकालना ना हो कि 3/6 18, 3/6 18 2 बचा। आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए कि यहाँ पहुँचते ही इस ऑप्शन पे पहुँच गए, यहाँ पहुँचते ही इस पे पहुँच गए। ठीक, आइए अगले पे चलते हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? अब कम वाला था, अब उसी को पूछ दिया ज़्यादा। आइए देखिए, दूसरी संख्या पहले से कितना परसेंट कम है, ये हो चुका है। पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है, आप क्या कहेंगे कितना ज़्यादा है, 40। लेकिन जब ज़्यादा वाला है तो किसके सापेक्ष ज़्यादा है, 80, तो बेटा में 80 आ जाएगा इंटू 100, 40 × 80 2 से 50 बार कटेगा। ठीक, ये तीसरा पार्ट हो गया। और चौथा कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट कम है, तीसरी संख्या दूसरी से कितना कम है, आप कहेंगे कितना कम है, 20। किससे कम था, 120 से इंटू 100, 20 × 6 120। फिर 2 से काटिए, 50/3, 50/3 क्या होता है, 16 से ही 2/3। ये भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि 50/3 आते ही कहाँ पहुँच जाएंगे, 16 से ही 2/3 पे। ठीक, तो आज के जो दोनों क्वेश्चन थे अभी तक हमने पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश ये किया कि एक तो आपसे क्या पूछा गया है उस पर फोकस करिएगा कि किस संख्या को किसके सापेक्ष पूछा गया है, और क्या डायरेक्ट पूछा गया है कि इस संख्या का कितना परसेंट है, कि कमी या वृद्धि करके पूछा गया है, जो पूछा होगा उसी को निकालेगा। और क्वेश्चन दो तरह से आता है, जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में जब ये संख्या 100 था तो आपसे दिया था 20 और 50% जब ज़्यादा है तो 20 को हम 100 में जोड़ के 120 150 लिखते थे। और यहाँ पे आपको क्या था कि इस संख्या का 80% है, इसका 120, तो जब इस संख्या का देगा तो जोड़ना नहीं रहेगा 100 में। ठीक, तो दोनों को एक साथ करवाने का यही कारण था कि आप यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या अंतर है दोनों में। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं। आइए देखिए, अनुपात आप लोग पढ़ चुके हैं, अनुपात समानुपात मैंने आपको बता दिया है। अब अनुपात समानुपात का कैसे यूज होता है परसेंटेज में, या यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनुपात समानुपात से रिलेटेड है, उसको कर लेते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था उस चैप्टर में भी कि अनुपात समानुपात परसेंटेज ये सब ऐसे चैप्टर हैं औसत, जो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। तो देखिए आपका परसेंटेज में अनुपात समानुपात मिल गया, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, यदि ए का 20%, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, ए का 20%, बी का 25%, बी का 25% बराबर सी का 1/6। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, पूछा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब आप केवल अनुपात समानुपात अनुपात वाले चैप्टर में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन वहाँ परसेंटेज नहीं था, ए का 2/3, बी का इतना, सी का इतना बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात। लेकिन इसमें बस परसेंटेज दे के आपसे चेक करना क्या चाह रहा कि अब आपको दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए, एक परसेंटेज वाला एक अनुपात समानुपात का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको लेना है, आपको मालूम है परसेंटेज मतलब 100/100, हल कर दीजिए इसको, बी का 25% 25/100, सी का 1/6। यहाँ परसेंटेज नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, 20 से 20 × 100, 25 से 25 × 100 क्या आ गया, 1/5, बी 4, सी 6 आया। अनुपात समानुपात में मैंने आपको बताया था ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा, ए के 1/2 में जो होगा वही अनुपात हो जाता है, 5 × 4 = 6। इसको कहाँ दिख रहा है, यहाँ, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी 5 × 4 = 6 हो गया। ठीक, तो ये होता है
जिस क्वेश्चन में दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ अनुपात का भी कॉन्सेप्ट आपका चेक कर लिया गया है और परसेंटेज का भी। आइए कुछ और क्वेश्चन इसी को रख करते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका क्वेश्चन है ए का 2/3। देखिए क्वेश्चन, ए का 2/3 बराबर बी का 75% बराबर सी का 0.6। कुछ नहीं करना है आपको, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ए इंटू 2/3, बी इंटू 75/100, सी इंटू 0.6 को 6/10 लिख सकते हैं, लिख दिया गया। 25 × 2 = 50, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। ठीक, अब क्या आ गया आपका, ए का 2/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 3/5। अब आपके पास दो तरीका है इसका अनुपात समानुपात निकालने का। एक तो मैंने बताया था कि इस तरह का संख्या देखकर ए का मान इन दोनों का गुणनफल, बी का मान इन दोनों का, सी का मान इन दोनों का, जब इनके मल्टीप्लाई में कुछ लिखा गया हो। लेकिन आपको मैंने सबसे आसान तरीका क्या बताया था कि ऊपर से अंश में जो संख्याएं हैं उसको ख़त्म कर दीजिए, तो नीचे जो संख्या होगा वहीं आपका क्या होगा आंसर। तो आप देखेंगे कि 2, 3, 3 है, तो हम कहते हैं 3 × 6, यानी हम पूरे इक्वेशन में 1/6 का मल्टीप्लाई कर दिए। जब 1/6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 × 3 = 6 कटेगा, तो 3 × 3 = 9, 1/9 बच जाएगा। यहाँ 3 × 6 कटेगा तो 4 × 2 = 8 बचेगा, और यहाँ सी बटा 3 × 6 कटेगा तो 5 × 2 = 10 बचेगा। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया, 9, 8, 10। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक साथ है तो आपको घबराना नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आज के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अभी तक तो देखिए आपका सीधे ए बी सी बराबर बराबर दे दिया था, अब ए बी को अलग कर दे, बी सी को अलग कर दे, तो कैसे करेंगे। दिया ए बी से 40% अधिक है, ए बी में कंपेरिजन कर दिया, बी सी से 20% कम है। ठीक, तब ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है। अब सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यहाँ आ जाएगी कि आप किसको 100 माने, इसको माने, किसको माने, तो किसको माने। तो उसके लिए क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िए। दिया है ए बी से ज़्यादा है, ए बी से ज़्यादा है, तो हम ऐसे एक तीर लगा लिए, यानी कि अगर केवल इन दोनों की बात होता तो हम किसको मानते, बी को। आगे दिया है बी सी से कम है, बी वाला किससे कम है, सी से, यानी इनका इनका होता तो हम किसको मानते, 100, किसको। अब आपका देख लीजिए एरो कहाँ कहाँ से पूरा तीर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, यहाँ सीधा जाएंगे, यहाँ सीधा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले तीर लगा लिया करिए और सबसे लास्ट पॉइंट में यहाँ 100 मान लीजिए। यही तीर अगर मेरा ऐसे ऐसे लगता तो हम यहाँ मान लेते। ठीक, जैसे ही यहाँ 100 माने, अब आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन का सेकेंड लैंग्वेज जो है, बी सी से 20 कम है, बी सी से 20% कम है, 100 का 20% कितना होगा, 20 कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80। आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जब 20% की कमी हो रही है तो कितना बचा, 80 बचा, क्योंकि टोटल संख्या आपके पास क्या था, 100। जैसे ही 100 में 20 की कमी, 80 बचा, तो 100 से 80 आ गया। अब और आगे आइए, ए बी से 40% अधिक है, ए का मान बी से 40% अधिक है। इसका भी दो तरीका लगाने का, या तो
80 का 40% निकाल के 80 में जोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादा की बात कर रहा है। यह आपको दूसरा तरीका बताया था कि 80 का 140% निकाल लीजिए। जब प्लस 40% करना है तो हम इसी को 140% निकाल लेंगे। 80 गुणा 140 बटे 100, एक सौ बारह। और दूसरा तरीका जिसको इन समझ में आए वो भी देख लीजिएगा। पहले 80 का 40% हम निकाल लिए, 8 चौके 32, और इसी को 80 में जोड़ दिए। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अभी क्वेश्चन कहाँ सा हुआ, ये तो आपने मान लिया कि तीनों संख्याएं कितनी हैं, तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, क्योंकि हमको तो एक्चुअली अपना देखना है कि हमने संख्या को क्या माना है। तो ये हमारा संख्या आ गया तीनों माना हुआ, कि एक संख्या 100 था, ये 80 था, ये 112। क्वेश्चन के अनुसार हमने सेट कर लिया। तो पूछा है ए अनुपाते सी, अब आपका ए अनुपाते सी क्या बचा, 112 अनुपाते 100। अगर आपके ऑप्शन में जहाँ तक हल करना हो वहाँ तक कर लीजिए। 4 से कटेगा, 25 बार 4 से 28 बार, क्योंकि देखिए 100 होता तो 25 बार जाता, 12 और है, 4 3 12, तो 25 3 28, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 अनुपाते 25, ए अनुपाते सी। ठीक, तो ये तो हो गया आपका जब परसेंटेज और अनुपात समानुपात का साथ में कॉन्सेप्ट है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, आइए आपके सामने देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। आपके पास दो संख्या है, एक दो, एक संख्या कोई बड़ी है एक छोटी, जो बड़ी है उसका 40%, मान लीजिए ये वाली संख्या बड़ी थी x, इसका 40%, छोटी संख्या मान लीजिए छोटी संख्या सेकंड वाली ए x है, ए y, y के 60% के बराबर हो गया। यहाँ तक हो गया। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करिए और इनका योग दिया है, तो देखिए इसमें क्या करना है, 100 से 100, 2 2 4 2 3 6, 2x = 3y, एक इक्वेशन यहाँ से आपने निकाल लिया। और एक इक्वेशन और आपको क्वेश्चन से निकालना होगा, दिया है इन दोनों संख्याओं का योग 150 है, यानी x व y का योग कितना था, 150 हो गया। तो पूछा क्या है आपसे, बड़ी संख्या y, जब हमसे y पूछा है तो हमको x को हटाना होगा, तो x को हटाना होगा तो या तो यहाँ से x का मान 3y/2 रख दीजिए, या पहले इक्वेशन में 2 का गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमारा 2x आ जाएगा और हम 2x की जगह 3y रख देंगे, 2x 2y = 300। जैसे 2x आया, यहाँ आप इसके जगह क्या रख दिए, 3y + 2y = 300, 3 2 5 5y = 300, 5 6 30, कितना आ गया, 60। ये किसका मान आ गया, y का। अब y का मान जब 60 आ गया तो x का मान क्या करेंगे आप, x का मान रुकिए, आपसे पूछा तो क्या था, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का आपने 40% यहाँ निकाला था, यानी कि यहाँ भी लिख लीजिए ए बड़ी वाली है और ए छोटी, क्योंकि आपने 40% निकाला होगा बड़ी वाले का, यानी हमसे क्या किसका मान पूछा गया है, x का। तो या तो y का मान आ गया 60, 150 में से घटा दीजिए, x = 150 - 60 = 90। देखिए अगर आपको x का मान पूछा गया था, आपने गलती से y का निकाल लिया, तो सीधे सीधे x का मान इसमें से माइनस करके निकाल लीजिए। या आपको करना क्या चाहिए था यहीं से, कि जब आपको मालूम है कि कौन सी संख्या बड़ी है, x, तो हमको कैंसिल किसको करना है, वाई, वाई कैंसिल करना है, तो किसका गुणा करेंगे, 3 का, 3x + 3y = 15 3 45 450।
अब 3y की जगह क्या रखेंगे हम, 2x, 3x प्लस 2x बराबर 450, 5x बराबर 450, x का मान 5 × 9 = 45, क्या हो गया 90। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका एक और तरीका बताता हूँ आपको। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन हल करके देख लीजिएगा, जब एक संख्या बड़ी हो एक संख्या छोटी हो और कोई बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, तो आपको क्वेश्चन हल करते समय आता हुआ भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश बन जाती है कि आप कहीं x का मान गलती से निकाल के ना रख दें, y का मान ना रख दें, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ दो इक्वेशन बना है, थोड़ा कैलकुलेशन करने में हमको दिक्कत हो रही है। तो इसी को अगर हम इसी क्वेश्चन को कैलकुलेशन कम करना चाहें तो थोड़ा उसको भी देख लीजिए। आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए x बड़ी संख्या, y छोटी है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का 40%, यही दिया है ना, बड़ी का 40। हाँ, आप x का 40% बराबर y का छोटी के 60% के बराबर है, लिख दीजिए। 100 100 कटा था, 20 2 40, 20 3 60। अब आप x बाई वाई का मान निकाल लीजिए, x बाई वाई बराबर 3/2। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। अब यहाँ आप अगर ये भूल भी जाते हैं एक बार, यहाँ जैसे मिटा दिया मैं कि कौन सा x छोटा था कौन सा बड़ा, तो भी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा। आपने चाहे जिसका अमन उसका जिस किसी का एक का उठाया 40% निकाल दिया, दूसरी का 60 निकाल के दिया, और आपको खुद नहीं मालूम है कि कौन छोटा था कौन सा बड़ा, ना ही आप मानिए, आप बस सीधे एक का 40% एक का 60 निकाल लीजिए, x बाई वाई बराबर 3/2 आ गया। अब आपको बस यहाँ से देख लीजिए, 3 2 5, 5 यूनिट का मान, दोनों का योग कितना दिया है क्वेश्चन में 150, तो एक का मान 5 × 15 = 30। बड़ी संख्या पूछा है यानी 3 यूनिट पूछा है हमारा, क्योंकि 2 3 में कौन सा बड़ा है 3, तो 30 × 3 = 90। तो इसमें आपके आपको क्या फ़ायदा हुआ, एक कैलकुलेशन आसान हो गया, दूसरा गलती होने की गुंजाइश कम हो गई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को इसी तरह करना है। आपको मैंने पहले भी बताया था अनुपात समानुपात और औसत मेरा सबसे पहले पढ़ाने का यही उद्देश्य था कि इनका यूज हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता रहेगा। जैसे आपने देखा इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन परसेंटेज का था, लेकिन यहाँ से हमने परसेंटेज को तुरंत अनुपात समानुपात में कन्वर्ट कर दिया, वहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ।